वेलकम बैक टू माई चैनल। सो फ्रेंड्स, ये मेरा किचन सेट है एंड आज मैं आपको इसका टूर कराने वाली हूँ। सो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर में 3 कप हैं एंड 2 ग्लासेस हैं एंड इसके नीचे एक कवर टाइप का है जिसमें मैंने रखा है बाउल, और हम लोगों ने यहाँ पे रखा है छोटा सा, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए, ये छोटा सा ग्लास है, कितने क्यूट है ना। और ये एक छोटा सा बाल्टी है, तो ये मैं रखी हूँ यहाँ पे, इसे वापस से रख देते हैं। एंड इसे हम लोग बंद कर लेंगे। एंड साइड में है 2-3 कप्स फिर से, एंड वो थोड़े से स्मॉल है एंड थोड़े से बिग है। एंड यहाँ पे 2 गैस सिलेंडर है एंड देन यहाँ पे है एक जग जिसमें वाटर है एंड यहाँ पे इस जग में मिल्क है एंड इसमें कुछ स्नैक्स, ये कुछ स्नैक्स प्लेट्स है। एंड यहाँ पे छोटे छोटे यूटेंसिल्स जैसे कि पॉट, प्रेशर कुकर, पैन, हॉट पॉट, और यहाँ पे केटल है और इसमें कुछ स्नैक्स है एंड इसके अंदर चने हैं। नीचे आएंगे, इसमें चीनी है, पीछे यहाँ पर इसमें आटा है, आटा यानी फ्लोर, एंड इसमें रेड चिल्ली पाउडर एंड यहाँ पे ये डोरेमोन वाले बॉक्स में है सॉल्ट, और इसमें है टी पाउडर एंड इसमें है स्पाइसेस। एंड नीचे आएंगे, ये है केचप, इसमें राइस है, इस ये पास्ता है और इसके अंदर और भी स्पाइसेस है जैसे कि पत्ता, कड़ी पत्ता, वो सब, इलायची। और यहाँ पे है एक टिफ़िन, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को खोल के, ये देखिए, जिसके अंदर मैंने स्क्विशी रखा है, मैंने सुशी रखा है। तो ये क्लोज हो गया है। एंड यहाँ पे नीचे में है पनीर एंड बस यहाँ पे इतना ही था। एंड इसके साइड में है गैस स्टोव एंड यहाँ पे स्पून्स है पूरे। एंड यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे डबल डोर फ्रीज़र है, ये देखिए। यहाँ पे ऊपर में है आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक, सॉसेस, पिज्ज़ा, और सेकंड में है पिज्ज़ा। यहाँ पे ब्रेड है, यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज है, बर्गर है, कपकेक है एंड नेक्स्ट है वेजिटेबल स्पॉट जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं। एंड देन मैं इसे बंद कर देती हूँ। एंड यहाँ पे बगल में है कबर्ड, जिस कबर्ड के अंदर है पॉट, पैन, प्लेट्स, और प्लेट्स भी दिखाऊँ, ये देखो एक स्टील का और बाकी सब प्लेट्स। और यहाँ पे एक पैन, यहाँ पे नीचे में है डेगची, पैन, सस्पेन, कुकर, वो सब। एंड द साइड में है एक बास्केट एंड यहाँ पे है चॉपिंग बोर्ड और ये है चकला, और इसमें थोड़ा सा मैंने वो बर्फ़ डाल के पानी रखा है। एंड यहाँ पे है ऑयल, फिर यहाँ पे केटल है एंड अब हम लोग नीचे आएंगे तो इधर एक बास्केट है जिसमें फ्रूट्स है एंड इसमें मेरा वो वेजिटेबल्स लिस्ट के लिए पेपर रखा हुआ है एंड देन बहुत सारे फ्रूट्स हैं। सो ये तो मेरा किचन सेट था एंड इसके बगल में मेरा टेंट हाउस है एंड ये आप देख सकते हो कैसे टेंट हाउस है, ये जस्ट इसके बगल में है। तो इसके अंदर भी आप लोगों को टूर कराते हैं। तो ये मेरी साइज़ का है, फिर बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा बिग है।
एंड इसके अंदर जाएंगे तो हम लोग को मिल जाता है एक पॉट जिसमें रखा हुआ है प्लांट एंड फिर एक बुके। एंड ये क्राफ्टेड है एंड ये मैंने ही बनाया है। अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए होगा तो मुझे कमेंट्स में बताना। एंड इसे मैं रख देती हूँ एंड आप इसे अपनी मदर को भी दे सकते हो, अपनी मम्मा को दे सकते हो। मदर्स डे में मैंने भी मम्मा को ही दिया था। एंड ये एक दिन के बहुत प्यारा सा ड्रॉवर है, ये भी मैंने खुद से बनाया है। अगर इसका भी ट्यूटोरियल चाहिए होगा तो कमेंट्स में लिंक मैं दे दूँगी, क्योंकि मैंने इसका छोटा वर्जन जो बनाया था तो उसका मैंने लिंक उसको पेंट किया था। एंड इसके अंदर तो बहुत सारे ब्रेसलेट्स रखे हुए मेरे, और इसके नीचे भी ब्रेसलेट, फ्रेंडशिप बैंड, बीड्स वो सब रखे हुए। एंड इधर बगल में है डिजिटल पैड और ये ऐसे यूज़ होता है। एंड इसके ऊपर में एक पेंसिल आता है जिससे आप लोग लिख सकते हो दिस। एंड यहाँ से आप लोग इसे रिमूव भी कर सकते हो दिस। ये रिमूव हो गया एंड यहाँ पे मैं जो बोल रही हूँ आपको करना ही है। ओके आप लोगों को ये करना है, जल्दी से करो सब लोग। ओके अब हम लोग इसे डिलीट कर देते हैं या फिर नहीं आप लोग देखोगे तो आप लोग बहुत समझदार आप लोग कर दोगे। वैसे मैं यहाँ पे ही रख देती हूँ ऐसे ही। एंड यहाँ पे बगल में मेरा जर्नल है एंड इसके बीच में एक छोटा सा जर्नल है जिसमें कुछ भी नहीं है, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं लिखा, अभी न्यू बनाया। एंड ये मेरा जर्नल है, लुक एट दिस। में मैं जर्नलिंग करती हूँ, ये देखो बहुत सारा मैंने जर्नल किया है। अगर आपको इसका पूरा देखना है कि मैंने इस डायरी में क्या क्या किया है तो इस तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना, मैं आप लोग को दिखाऊंगी। अरे बगल में है एक बॉक्स, इसमें है मेरा मेकअप। ओके एंड और ये मेरा टेंट है। ओके एंड आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। तो ये मेरा टेंट था एंड यहाँ पे इसके बगल में जस्ट मेरा किचन सेट था। अगर आपको मेरे किचन सेट में भी कुकिंग वीडियो चाहिए तो जल्दी जल्दी सब कमेंट करो, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ। ओके अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।